फेल प्रूफ कुरकुरी भिंडी अब आप भी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पर बड़े ही आसानी से। और इसको एक बार आप बना लेंगे ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि हमें लेना है भिंडी। भिंडी को जो है हमने दोनों एजेस जो है उसके काट लिए हैं। काटने के बाद कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको पतला पतला मैंने काट लिया है। इसमें जो बीज है ना उसे मैंने हटाया नहीं है, जनरली लोग हटा देते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि इसको ना हटाएं। तो आप भी अगर इसको बीज के साथ ही बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। और धनिया पाउडर डालने के बाद हमें क्या करना है कि इसमें खटाई के लिए थोड़ा सा डालेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर अगर ना हो तो आप इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और फिर थोड़ा सा हींग डाल लेंगे, इससे स्वाद अच्छा आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे ना कि इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बस इतना ही रेस्ट करने देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि रेस्ट करने के बाद हमें कॉर्नफ्लावर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 कप बेसन। कॉर्नफ्लावर अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसमें राइस फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम एक पैन में जो है तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेल मैंने नहीं डाला है, आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा ही तेल डाला है, और इसको मैंने ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि इसको शैलो फ्राई ही किया है मैंने यहाँ पर। बड़े ही आराम से शैलो फ्राई ये हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा बैचेस में भिंडी को आपको डालना है और इसको फ्राई अच्छे से कर देना है। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये बिल्कुल करारी ना हो जाए। इसमें जो है जब आप निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा ये सॉफ्ट सा फील होगा, बट जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो ये अपने आप देखेंगे बिल्कुल कुरकुरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी भिंडी जो है बनकर तैयार है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बहुत ही क्रंची बनी है, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और बच्चों को वेजिटेबल खिलाने का बड़ा ही आसान तरीका है। तो आप भी इस बरसात में, इस मॉनसून में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगे हो तो लाइक कमेंट सेव शेयर और फॉलो करना ना भूलें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें ताकि मेरी अगली हर रेसिपीज की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे।